में समीर वानखेड़े पर हो सकता है एक्शन। गृह विभाग कर रहा हाई लेवल की मीटिंग। फारूक अब्दुल्ला के पाकिस्तान से बातचीत वाले बयान पर अमित शाह का हमला। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को ममता बनर्जी ने बताया संघीय ढांचे में दखल। दुर्गा पूजा उत्सव के बाद बंगाल और असम में बड़े कोरोना के मामले। एनसीबी के सामने आज पेश नहीं हुई अनन्या पांडे, अब जारी होगा नया समन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस प्रदेश भर में प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत कर चुकी है। कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के हर छोर में जाने वाली कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा को शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी का प्रतिज्ञा यात्रा रॉबर्ट्सगंज पहुंच गया है। रॉबर्ट्सगंज पहुंचते हुए सलखन चोपन के बाद ओबरा में जाएगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम यात्रा के साथ है। खबर सोनभद्र से है, जहां पर कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा आज चरम पर है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज प्रियंका गांधी वाड्रा की प्रतिज्ञा यात्रा आज पहुंची है। जहां कांग्रेस पार्टी की प्रतिज्ञा यात्रा रॉबर्ट्सगंज पहुंच गया है और रॉबर्ट्सगंज से होते हुए सलखन चोपन के बाद ओबारा में जाएगी। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस की पार्टियां जोर जोर से जुड़ चुकी है, जहां वो लगातार प्रतिज्ञा यात्रा के दौरान अपनी पार्टियों का प्रदर्शन जारी कर रखा है। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के हर छोर में जाने वाली कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा का जो शुभारंभ कर दिया है, उसे कांग्रेस पार्टी का प्रतिज्ञा यात्रा रॉबर्ट्सगंज पहुंच गया है। रॉबर्ट्सगंज से होते हुए सलखन चोपन के बाद ओबरा में जाएगी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम यात्रा के साथ रहेगा। फतेहपुर जनपद के मलवा विकासखंड के ग्राम जलाला गांव में ज्योति संचय आई हॉस्पिटल बिंदकी द्वारा निशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। नेत्रियोगों से पीड़ित बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर आंखों का परीक्षण कराया। शिविर का शुभारंभ युवा विकास समिति के जिला प्रवक्ता आलोक गौड़ ने किया। नेत्र परीक्षक व नेत्र सर्जन ने 52 मरीजों का नेत्र परीक्षण किया। चिकित्सकों ने बताया कि मोतियाबिंद से ग्रसित मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। हरदोई के शाहबाद नगर पालिका नामित सभासद ने सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों के साथ नगर पालिका पहुंचे। प्रदर्शन के लिए नगर पालिका चोर है कि जमकर नारे भी लगाए। स्थानीय लोगों का आक्रोश देखकर नगर पालिका के कर्मचारी मौके से रफूचक कर हो गए। वहीं अधिशासी अधिकारी की आक्रोशित महिलाओं ने चैम्बर में ही बंद करने का प्रयास किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद लोगों को समझा बुझा कर मामले को शांत कराने का प्रयास किया है। आक्रोशित महिलाओं की पुलिस ने भी नोकझोंक हुई। कड़ी मशक्कत के बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों को भी शांत कराया गया। पालिका का घेराव मुख्य चार मांगों को लेकर किया गया। महामंदन की रोड जिसमें सीवर लाइन डाली गई, आज 4 साल हो चुके हैं, कई लोगों के हाथ पैर टूट चुके हैं, अभी तक उस सड़क का निर्माण नहीं किया गया। और दूसरी तरफ पावर हाउस से लेकर घंटाघर तक नाले का जो निर्माण होना है, उसका 2 बार पैसा निकाला जा चुका, अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ और पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त नगर पालिका उस कार्य को कराना नहीं चाहती थी, इसलिए घेराव किया गया। सफाई कर्मी जो 15 सफाई कर्मी हटाए गए हैं, उन 15 सफाई कर्मियों को पुनः लगाने के संबंध में, और जो कर्मचारी करीब 157 कर्मचारी 19-20 में कार्यरत थे, उनके PF फंड के संबंध में ज्ञापन और धरने का कार्यक्रम किया गया। सभी मांगों को लेकर हम लोग आए थे, उसमें आश्वस्त किया गया कि जो 15 कर्मचारी हटाए गए हैं उन सभी कर्मचारियों को लगाया जाएगा, और जो 10 सफाई कर्मी के नाम पर फर्जी पैसा नगर पालिका से निकाला जा रहा है, उन लोगों का पैसा रोककर, उन लोगों की सैलरी रोककर
15 नए कर्मचारी लगाए जाएंगे, 19-20 का एम्प्लॉई फंड, 15 दिसंबर तक हर जो कर्मचारी 157 कर्मचारी थे सभी का पीएफ दिया जाएगा। फूटा मंदिर से पावर हाउस तक के नाले का निर्माण 28 फरवरी तक हर स्थिति में प्रारंभ कर दिया जाएगा, वरना चुनौती के साथ हम लोग जाएंगे कि हम लोग फिर धरने पर आने वाले हैं। नामी सभासद जिनके द्वारा ये कहा गया है कि कुछ कर्मचारी हटा दिए गए थे और चूंकि राज्यवित की ग्रांट कम हो गई थी और वेतन प्रभावित हो रहा था इसलिए उसको हटाया गया था। दूसरा था कि कर्मचारियों का ईपीएफ जो 19-20 का बकाया है उसको संबंधित फर्म से को दिलाया जाए, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसके संबंध में हमने कोर्ट में उस फर्म को नोटिस जारी कर दिया है और उसके पैसा भी रोक दिया था, क्योंकि वेतन प्रभावित हो रहा था इसलिए तत्काल वेतन दे दिया गया है और आगे उनको नोटिस जारी कर दिया जाएगा। अगर उनके द्वारा ये जमा करके रिपोर्ट नहीं दी जाती तो उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। तीसरा इनका एक बिंदु यह था कि एक नाले का निर्माण था, वो नाले का निर्माण जेन्युइन है, लेकिन चूंकि पिछले कोविड के समय में उसका टेंडर हो चुका था और 14वें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि निविदा हो चुकी थी, लेकिन उस समय राज्य वित्त आयोग में पैसा न मिलने के कारण शासन द्वारा निर्देश जारी किया गया कि जिन कर्मचारियों का वेतन नहीं हो पा रहा है वो 14वें वित्त से दे दिया गया, तो उस पैसे को वेतन में दे दिया गया। आगे भविष्य में जैसा पैसा आएगा वैसे ही इसको शामिल किया जाएगा। उनको ये आश्वासन दिया गया कि अगले हम इसको अगर नहीं उसमें पैसा मिलता है तो 15वें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि इसको हम कराएंगे। जनपद प्रतापगढ़ के रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र में भाजपा पार्टी के पूर्व विधायक प्रत्याशी नागेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में परिवर्तन यात्रा निकाली गई। बता दें कि मोटरसाइकिल से रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र में भारी संख्या में समर्थकों के साथ रैली निकाली गई। लालगंज रैली पहुंचने पर कार्यक्रम में प्रतापगढ़ सांसद संकम लाल गुप्ता भी शामिल हुए। मौके पर लालगंज सांगी पूर्व संग्रामगढ़ समेत भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। खबर प्रतापगढ़ से है जहां यात्रा में उमड़ी है भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़। भाजपा पूर्व विधायक ने निकाली है आज परिवर्तन यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फतेहपुर जिले में नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज का वर्चुअल उद्घाटन किया। जिले के नेशनल हाईवे पर अलीपुर गांव के पास स्थित इस मेडिकल कॉलेज में पहले साल से मेडिकल के 100 छात्रों को शिक्षा दी जाएगी। 212 करोड़ की लागत से बने इस मेडिकल कॉलेज से लगभग 30 लाख की आबादी फतेहपुर जनपद के लोगों को बेहतर चिकित्सा के लिए महानगरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के बन जाने से फतेहपुर जनपद के लोगों को स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, अपने जनपद में ही उन्हें उचित इलाज मिल पाएगा। केशवपुर भड़ी में मामूली बारिश है, दीवार गिरने से दो मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। दोनों बच्चे स्कूल जाने के लिए दुकान से सामान लेकर आ रहे थे। पड़ोसी की दीवार काफी कमजोर थी, कहने के बावजूद उसने कोई ध्यान नहीं दिया। पहले भी पड़ोसी की दीवार से एक हादसा हो चुका था और आज दो बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। बच्चों की मौत से पूरे गाँव में मातम छाया हुआ है। गाँव केशवपुर भंडी थाना नखासा क्षेत्र अंतर्गत चंद्रसेन के प्लॉट में मकान के निर्माण हेतु ईंटों का चिट्ठा रखा हुआ था, जिस पर ग्रामीणों द्वारा चंद्रसेन को कई बार हिदायत दी गई थी कि यह चिट्ठा ठीक जगह पर नहीं लगाए, कभी भी गिर सकता है। कल सायं लगभग 5 बजे गांव के ही दो बालक लक्की व विशेष, जिनकी उम्र लगभग 9-9 वर्ष थी, ये दुकान से कुछ सामान लेकर लौट रहे थे कि तभी अचानक भरभराकर ईंटों का चिट्ठा गिर गया, जिसमें दबकर दोनों ही बच्चों की
मथुरा के थाना बलदेव के गांव तल्फी घड़ी में दो पक्षों के रास्ते में लेकर खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें आमने सामने दोनों पक्षों में मारपीट के साथ गोली चली। वहीं इस घटना में कई लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार हीरा सिंह अपने ट्रैक्टर को लेकर खेत पर जा रहा था कि तभी दूसरी पक्ष जगदीश प्रीतम और अन्य लोगों ने रास्ते से जा रहे हीरा सिंह से ट्रैक्टर निकालने को मना किया, जिसको लेकर हीरा सिंह ने ट्रैक्टर आगे बढ़ा दिया। इसी को लेकर दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। घायलों की हालत गंभीर होने पर आगरा के लिए रेफर कर दिया गया है। मामला ये था सर, सरकारी जगह गड्ढों की पड़ी थी, वहाँ पे एक विकास ट्रैक्टर लेके खेत जोतने जा रहा था। खेत जोत दिया, वहाँ पे पल्ली तरफ से आ रहा था खेत जोत के, तो इसने मना किया कि यहाँ के ट्रैक्टर मत निकाले। अचानक इनकी पहली प्लानिंग थी सर, तो इनके प्लानिंग के मुताबिक इन्होंने लठ छोड़ दिया पहले तो, अचानक फिर आक्रामक फायरिंग कर दी। वहाँ पे ग्रामीण अन्य लोग भी खड़े थे, उनके भी चोटें आई थी और ये पड़े ही हैं हॉस्पिटल में, ये घायल हैं। मथुरा के थाना बलदेव के तल्फी गढ़ी गाँव से आज मॉर्निंग में एक फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर आकर जब जानकारी की गई तो ये जानकारी हुई कि एक जगदीश पक्ष और दूसरा दिनेश पक्ष के बीच में खेत और घेर में से ट्रैक्टर निकालने को लेकर के विवाद हुआ, जिसके बाद जगदीश पक्ष द्वारा दिनेश पक्ष के कुछ लोगों के ऊपर फायरिंग की गई और वहां पर खड़े अन्य लोगों को भी के ऊपर भी फायरिंग की गई है। इस घटना में कुल 8 लोगों के घायल होने की सूचना है, जिनको कि हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया, उनका इलाज वहाँ पर चल रहा है। मौके का मुआयना करने के बाद इसमें से जो जगदीश पक्ष है उसके कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। खबर मथुरा से है, जहां दो पक्षों में एक लाठी डंडे चले हैं, जहां दो पक्षों में बवाल हो गया है। जिला अस्पताल में लोगों को भर्ती कराया गया है, जहां घायलों के लिए उपचार भी किया जा रहा है। कई लोग घायल हुए हैं इस वारदात के जरिए। जनपद जालौन के उरई कोतवाली से रगदेमा में एक जेठ ने अपने छोटे भाई की विधवा बहू के साथ अवैध संबंध बनाने की कोशिश की। महिला के विरोध पर जेठ ने पूरा परिवार के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद उसके शव को जंगल में ले जाकर जला दिया। महिला ने परिजनों की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, ये जो महिला की लाश मिली थी, ये लाश को जला दिया गया हुआ था और उस अवस्था में लाख कुछ हड्डियाँ, खोपड़ी, फीमर बोन मिला था, कुछ बाल मिले थे, स्पेशल अवशेष मिले थे। ये महिला थाना कोतवाली उरई की ग्राम रगेदा की रहने वाली थी, विधवा महिला थी। इसका उसके जेठ ने और उसके अन्य दोनों भाइयों ने, तीन लोगों ने मिलकर तो सर पे वार किया और उसकी बॉडी को ले जाकर जंगल में फेंक दिया था। फिर बाद में पेट्रोल डाल के उसको जला के सबूतों को मिटाने की भी कोशिश की और इस तरह से इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। खबर जालौन से है, जहां जेठ ने अपने बहू को आग लगा दी, जिसका प्राइम टीवी ने प्रमुखता से ये खबर दिखाई थी। जनपद जालौन के उरई कोतवाली से रगेदा में एक जेठ ने अपने छोटे भाई की विधवा बहू के साथ अवैध संबंध बनाने की कोशिश की थी। महिला के विरोध पर जेठ ने पूरे परिवार के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी और इसके बाद उसको शव को जंगल में ले जाकर जला दिया। महिला के परिजनों की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।